तो तभी होगा जब ऐसी रियल एसेट परचेज होंगे और उसकी मदद से नए नए आप बॉटल और हर एक चीज बनाएंगे। सो देन इकोनॉमिक सर्वे बिग डेटा एनालिटिक्स से ये बोलता है, 1991 भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी, 1997 एशियन इकोनॉमी में क्राइसिस, वो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी एंगल याद कर, बट वो जब भी क्राइसिस थी तो विद इन टू टू थ्री ईयर्स वापस ये सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट जंप करके आ गया था। बट ये सबप्राइम क्राइसिस के बाद का जो समय है कंटिन्यूअसली इट इज फॉलिंग डाउन एंड इट इज नॉट कमिंग बैक, और कुछ देशों में तो ऐसा होता है कि इट विल टेक 17 ईयर्स टू रिकवर, तो सामने उतना ग्रोथ रेट भी आपका डाउन ही रहेगा। सो देयरफॉर वी हैव टू फोकस। सर्वे ने बोला कि एक जमाने में सब रिसर्चर ऐसा फोकस करते थे कि आप अपने देश का सेविंग्स बढ़ाओ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और फिर ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, बट इकोनॉमिक सर्वे बोलता है ये कॉजालिटी इधर से इधर से इधर जाता है, ये पूरी कॉजालिटी गलत है। असल में फोकस ये होना चाहिए हमारा, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ तो अपने आप ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा और फिर सेविंग्स अपने आप बढ़ जाएंगे। बिकॉज सेविंग का मतलब क्या है, इनकम दैट इज इन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वो तो तभी हो सकता है जब लोगों के पास नौकरी हो तो भी सेव होगा। सो अवर फोकस देयर शुड बी टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट रेट, यानी कि अभी जो हम 7% के आसपास रुके हुए हैं, एक जमाने में 9% से ज्यादा अपना ग्रोथ रेट था, सो इफ वी वॉन्ट टू ग्रो बैक एट द 9% देन वॉट वी शुड डू, वी शुड फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रिजॉल्व द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दीजिए, स्टार्टअप इंडिया को प्रोत्साहन दीजिए, सो दैट मोर मनी कैन बी चैनलाइज देन ग्रोन इन टू कंपनीज। टैक्सेशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, लेबर लॉज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन सभी में आप रिफॉर्म्स लाइए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, जीडीपी इंक्रीज हो एंड इवेंचुअली द सेविंग्स विल ऑल्सो इंक्रीज। भारत में पिछले कुछ सालों में अपना फोकस रहा था इधर सेविंग्स को मोबिलाइज करने में, तो जनधन योजना, ताकि गरीब लोग जो अपने बिस्तर के नीचे पैसा सेव कर रहे हैं दे शुड मोबिलाइज टू बैंक्स, और ये माना गया कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट में आएगा एंड देन इकोनॉमी विल ग्रो। सिमिलरली अनअर्थिंग द ब्लैक मनी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, डी मोनेटाइजेशन, ये सबका फोकस ये था कि लोग जाकर बैंकों में और पेंशन प्रोविडेंट फंड वगैरह के अंदर पैसा निवेश करें, मतलब वो सेव करें, देन इवेंचुअली इट विल बिकम द इन्वेस्टमेंट एंड देन इट विल ग्रो, बट दिस एंटायर कॉजेशन इज नॉट करेक्ट। ऐसा बोल के सर्वे बोलता है ये सब ठीक है, काम क्या जनधन ब्लैक मनी, बट आवर प्राइमरी फोकस शुड बी टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट। सो अनदर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2013 प्रीलिम, आई गिव यू 1 मिनट, और जिन लोगों का ये ठीक नहीं चल रहा है अगेन आई विल सजेस्ट प्रेस कंट्रोल आर। या ओके, सो 2013 प्रीलिम का प्रश्न, इकोनॉमिक ग्रोथ विल अकर इन कंट्री एक्स इफ, अगर ये होगा तो ये होगा, इफ देयर इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, उससे ग्रोथ तो तभी हो सकता है इफ दैट टेक्नोलॉजी कम्स टू इंडिया, बाकी तो अपने आप हवा हवाई नहीं हो सकता है। सो वन इज नॉट राइट। इफ देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री एक्स, बट वो वाली पॉपुलेशन उसके पास स्किल हो तो जाके कुछ वो, बाकी सब अनपढ़ गवार हो तो कुछ वो मदद नहीं कर सकता। सेकंड इज ऑल्सो नॉट राइट। डी ऑप्शन बोलता है इफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वो बराबर है बट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया आप बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ जीडीपी, जीडीपी के कंपोनेंट क्या है, चिक्जम। सो एक्सपोर्ट, भारत की अगर नेट एक्सपोर्ट बढ़े तो ग्रोथ दिख सकता है, बट सपोज इंडिया इज अनेबल टू प्रोड्यूस सच ग्रेट क्वालिटी ऑफ थिंग्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, तो शायद एक्सपोर्ट ना भी बढ़े। बट हाउएवर लुक एट द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, इफ देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, हमने देखा कि पहले इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से कैपिटल फॉर्मेशन वो क्या था, वो नया इन्वेस्टमेंट माइनस वो पुरानी वाली आप एसेट का जो लिक्विडेशन डिस्पोजल होता है उसको माइनस करो, सो अकॉर्डिंगली न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग बुलडोजर्स वो बन रहे हैं एंड दे विल प्रोड्यूस समथिंग मोर, सो ग्रोथ विल देन कम। ऑफकोर्स वो भी ग्रोथ डिपेंड करेगा कि वो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो कितना है, बट दैट इज
डेफिनेटली आउट ऑफ दिस ऑप्शन या इट विल हेल्प इंक्रीजिंग द ग्रोथ. अब ये इधर तो आसान लगता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा, बट इट कैन बी क्रिएटेड मोर चैलेंजिंग अगर इन सबको फोर स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में बनाकर फिर वो और कुछ और वेगली वर्डेड इफ देर इज टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ये वर्ल्ड इकोनॉमी निकाल दो देन इट बिकम्स लिटल मोर चैलेंजिंग. तो ऐसा जब भी हो आपने क्या करना चाहिए, गो बाय एलिमिनेशन मेथड सो कैन यू कैन अराइव एट द राइट आंसर. सो इंडिया जीडीपी इंटरिम बजट 2019 में बोला कि भारत का अभी तो इट इज लेस देन $3 trillion, उसको बढ़ाकर 2024 तक कर देंगे $5 trillion इन द नेक्स्ट 5 years. और उसके बाद 2024 के 8 साल बाद मतलब 2032 तक बढ़ाकर कर देंगे $10 trillion. फिर ये नीति आयोग उसकी स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया 75 years वो डॉक्यूमेंट बोलता है कि 2022 तक $4 trillion कर देंगे और अपना ग्रोथ रेट 9-10% कर देंगे. सो द क्रिटिक्स दे आर अलेजिंग भाई ये आंकड़े कुछ हवा हवाई आपको दिखते हैं, आर दे एट करंट प्राइस या कॉन्स्टेंट प्राइस. जितना इन्फ्लेट करके बोला है वो करंट प्राइस ही दिखता है क्योंकि कॉन्स्टेंट अगर एडजस्ट किया तो वो नीचे गिर जाएगा. एंड ये आप जो एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हो वो तो होने से रहा बिकॉज प्रेजेंटली वी आर स्ट्रगलिंग इवन एट 7%. सो 9-10% इट लुक्स रादर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजंस. वो प्रोटेक्शनिज्म के चलते अपना एक्सपोर्ट ग्रो नहीं कर पाए तो ये सब करना मुश्किल है. बट नॉनदलेस मीन्स में ये प्रश्न इंटरव्यू में ये प्रश्न कि वट शुड बी डन टू गेट द ग्रोथ रेट बैक टू 9-10% क्योंकि ये नीति आयोग का ऐसा टारगेट है कि 2022-23 तक अपना होना चाहिए. सो फॉर दैट नीति आयोग इटसेल्फ सजेस्टेड सर्टेन रिफॉर्म्स एंड मेजर्स. हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये कॉजेशन दिखा है, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, उससे अपना ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एंड देन ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो सेविंग सबकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी उतना सेविंग बढ़ेगी. सो देयरफॉर दिस नीति आयोग डॉक्यूमेंट इट सेज दैट वी हैव टू इंक्रीज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन GFCF जो अभी इट इज लेस देन 30% ऑफ GDP क्वांटिटेटिवली, उसको बढ़ा के 36% कर देना है बाय 2022-23. नाउ ऑल दिस फिगर्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट बट या इतना एवरेज तो याद रख ही सकते हो कि 30% से ज्यादा बढ़ाना है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उससे फायदा वो करेंगे देन ग्रोथ रेट विल कम. बट टू अकम्प्लिश दैट वॉट वी हैव टू डू, सरकार अपना टैक्स टू GDP बढ़ाए, टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस से लड़े ताकि सरकार के पास ज्यादा स्पेयर मनी आ जाए और उसकी मदद से वो कुछ नए रोड बिल्डिंग हाईवे एयरपोर्ट बनाने की कोशिश करे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लाइक दैट अकॉर्डिंगली दिस विल इंक्रीज. गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू डेफिसिट काबू मिले, सब्सिडी लीकेज काबू मिले कैसे, जेम जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी की मदद से. सो अगेन सरकार के पास स्पेयर पैसा ज्यादा बचा, इन्वेस्टमेंट मतलब नया कोई ट्रैक्टर बुलडोजर कुछ खरीदने के लिए कहीं पर वो मदद करे, आगे बढ़ाओ और ग्रोथ रेट बढ़ाओ. गवर्नमेंट हैज टू एग्जिट फ्रॉम द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ताकि उसमें से वो बंद कर दिया तो उतना जो नुकसान हो रहा है सरकार का पैसा नुकसान वाले धंधे में वो कम हो जाए एंड दे कैन इन्वेस्ट द मनी इनटू द प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस और फिर कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोथ रेट आ जाए. ये सब कुछ करने पर भी जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हमें चाहिए उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत होगी. गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट बिल्ड ऑल द हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का पैसा थोड़ा गवर्नमेंट एंड देन कलेक्टिवली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए तो अगेन लाइक दैट वी कैन मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन. प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन करना है देन वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ NPA क्राइसिस, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और सुधार करिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, फैक्ट्री लेबर रिफॉर्म ताकि कॉर्पोरेट क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट बढ़े. अभी के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों को भी प्रॉफिट तो होता है बट दे विल सेव देयर प्रॉफिट अगेन इन सम बैंक सेविंग अकाउंट या किसी और कंपनी के शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे. खुद की कंपनी में मैं नया बॉटलिंग प्लांट बना दूं या नया फैक्ट्री खोल दूं ऐसा वो नहीं करें. सो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग इन द रियल एसेट्स एंड देयरफॉर ग्रोथ इज नॉट कमिंग. तो ये सब करेंगे तो कंपनियां और अपने को एक्सपांड करेगी. एक और भी बात है कि सेविंग्स भी हमने इंप्रूव करना चाहिए सो दैट सम ऑफ दैट मनी सेविंग वाला वो जाए इन्वेस्टमेंट एंड देन इट कैन ग्रो. सो वी हैव टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ऐसी योजनाएं ताकि लोग सोने की बजाय ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाए और फिर उससे वो जाए लोन के रूप में कहीं पर इन्वेस्टमेंट में देन इट कैन ग्रो. पेंशन इंश्योरेंस स्कीम का और बढ़ोतरी करनी चाहिए, जनधन अकाउंट, एट द सेम टाइम पोंजी स्कैम चीट फंड स्कैम उसको रोकना चाहिए सो दैट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी एंड सेविंग इट इज चैनलाइज्ड इन द फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सेविंग के रूप में और वो पैसा फिर लोन और इन्वेस्टमेंट के रूप में जाए कंपनियों में एंड देन नया नया
रियल एसेट का क्रिएशन हो एंड देन द ग्रोथ कैन कम. सो व्हाट इज द टारगेट? 9-10% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए. $4 trillion की इकोनॉमी बनानी जीडीपी करना है बाय 2022-23. अब जीडीपी के कंपोनेंट वापस याद करो. एक्सपेंडिचर मेथड बोला चिक्सम, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट देन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. सो नाउ लेट अस फोकस ऑन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एज वेल. उसमें बढ़ोतरी करने के लिए एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अलग अलग समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा. कॉम्प्लेक्स लेबर लॉ, लैंड लॉ, एपीएमसी रिफॉर्म, उन सबको आप एड्रेस करिए. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करिए. वी हैव टू गेट रेडी फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उस सब में रिसर्च करो. भारत के यूथ को तालीम दो, स्किल दो, इंक्रीज द फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स. एक तो फायदा ये हो कि प्रोडक्शन बढ़ाए और दूसरा कि उनकी जितनी जितनी इनकम बढ़ेगी देन दे विल कंज्यूम मोर. नया मोबाइल लेंगे, टीवी सेट लेंगे एंड अकॉर्डिंगली मोर एंड मोर ग्रोथ कैन कम. भारत ने लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, मिलते जुलती भावना रखने वाले देशों के साथ, रीजनल ब्लॉक के साथ कुछ ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने चाहिए ताकि अपना एक्सपोर्ट भी इम्प्रूव हो सके. एंड लास्टली हमारा इम्पोर्ट कम करना चाहिए बिकॉज जीडीपी हमने कैलकुलेशन देखा, वी हैव टू माइनस द इम्पोर्ट्स. सो देयरफॉर वी शुड फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी टू डिक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल. एंड इम्पोर्ट कम करने के लिए बाकी जो जो चीज है, गोल्ड के लिए ये, क्रूड ऑयल का ये, वो सारे एंगल आप जोड़ सकते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको 125 वर्ड्स में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है या 1200-1500 वर्ड का पूरा ऐसे लिखना है, हाउ टू इम्प्रूव इंडियाज जीडीपी एंड ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. अल्टीमेटली उसे कंक्लूड करना पड़ेगा. तो कंक्लूजन क्या? हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इट कैन हेल्प इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज. जितना ग्रोथ बढ़ेगा लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स में भी आमदनी उतनी ज्यादा होगी. तो सिटीजन को भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है. एंड कलेक्टिवली वो पैसा जो आया, तो सिटीजन ज्यादा अच्छी नौकरी उसे मिली, ही कैन स्पेंड मोर मनी ऑन द हेल्थ एजुकेशन. गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स में पैसा मिला, दे कैन स्पेंड ऑन हेल्थ एजुकेशन. एंड अकॉर्डिंगली उससे अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सब में मदद होगी. सो लाइक दैट इट कैन हेल्प बोथ इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. एंड देयरफॉर वी मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न टू अकम्प्लिश अबाउट टारगेट्स या एड्रेस अबाउट चैलेंजेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस. सो लाइक दैट यू कैन फ्रेम द कंक्लूजन. तो पेज 284 में एक ब्लैंक फिलअप करो कि टारगेट क्या है. $4 trillion की अपनी इकोनॉमी होनी चाहिए, जीडीपी ग्रोथ रेट 9-10% पे ले जाना है. अभी जो अराउंड 7% पे स्ट्रगल कर रहे हैं, एज अ साइज 4 trillion करना है. Yes, so now we will move forward, but हम लोग काफी समय से पढ़ रहे हैं because of the technical glitch, थोड़ा बीच में रुक भी गया था. Let us take a break for 5 minutes and then we will move forward. A break for 5 minutes and then we'll move forward.
यस फ्रेंड्स, सो अवर 5 मिनट ब्रेक इज ओवर। आगे हमको, हमने अब तक पढ़ लिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाउ वी हैव टू स्टडी सम न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीएनपी। बट बिफोर दैट अगेन, अगर कुछ तक हो गया तो प्रेस कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर। एंड आई होप कि ये चल रहा है। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? रजत शर्मा इज सेइंग यस। वाणी, रजत, अदर्स, आई होप इट इज वर्किंग। लेट अस होप इट इज वर्किंग। सो जीडीपी, वी स्टडीड द डेफिनेशन, क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली इट इज 1 ईयर। उससे थोड़ा और आगे बढ़े जीडीपी से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की ओर। आप वापस याद करें, जीडीपी मतलब वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन इंडिया। हम लोग ये रतन टाटा की जैगवार कार या उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट बाहर से जो आ रहा है नहीं गिन रहे थे। ये फॉरेन के अंदर प्रियंका चोपड़ा को जो वेजेस मिले या फिर रेमिटेंस गिफ्ट डोनेशन के नाम पर वो कुछ पैसा भेज रहे नहीं गिनते थे। ONGC विदेश रशिया में कुछ प्रॉफिट कमाए नहीं गिन रहे थे। सो दे वेर नॉट काउंटेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट वेन वी से द टर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, देन इट सेज दैट वी हैव टू काउंट समथिंग। तो GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसका मतलब है GDP एंड देन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम मतलब वो क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अकॉर्डिंगली विप्र, यानी वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेट, दैट इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। सो दैट मीन्स GDP तो हम लोग काउंट करेंगे ही, बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लाने के लिए उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करेंगे। रतन टाटा की ये जैगवार कंपनी इंग्लैंड में, बट उसको जो भी प्रॉफिट हुआ उससे शेयर होल्डिंग के हिसाब से भारत में जो पैसा आता होगा, प्रॉफिट, डिविडेंड, अगर कुछ बॉन्ड लोन है तो इंटरेस्ट के रूप में आता होगा, फॉरेन प्रॉपर्टी जो कि भारतीय लोगों के ने कुछ परचेस की और उसमें रेंट का पैसा आता हो तो वो भी आप प्लस करेंगे। रतन टाटा, वो भारत के, ओके, टाटा नैनो और वो सब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होंगे, उनकी सैलरी तो इधर गिनेंगे। वो ये इंग्लैंड की जैगवार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी होंगे और उसकी अलग से उनको वेजेस मिलते होंगे। एंड दैट ऑल्सो वी विल काउंट इन इंडिया इफ रतन टाटा इज स्टेइंग फॉर लेस देन 12 मंथ्स इन इंग्लैंड। ये OECD की ऐसी परिभाषा है कि वेजेस किधर काउंट करोगे फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो वो आदमी अगर लेस देन 12 मंथ्स कहीं बाहर रह रहा है तो उसका मतलब कि वो होम कंट्री में उसका भाव ज्यादा, उसकी लगाव ज्यादा है, सो वी विल काउंट इट ऑन द होम कंट्री। तो प्रियंका चोपड़ा, वो ये सीरियल और टीवी फिल्म वगैरह कर रही है अमेरिका में, बट सपोज सी सेइंग लेस देन 12 मंथ्स इन USA, तो उसने जो भी पैसा कमाया वो आप किधर काउंट करेंगे? दैट विल बी काउंटेड फॉर इंडिया। और उसका रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर जैकलिन फर्नांडिस सी सेइंग लेस देन 12 मंथ्स इन अ ईयर इन इंडिया, तो वो जो इसकी होम कंट्री उस हिसाब से दिखे आपको वो पैसा उधर शिफ्ट करना है और अपनी कैलकुलेशन में माइनस करना है। सो वी आर ओनली काउंटिंग द नेट प्लस माइनस करके एंड फैक्टर इनकम मतलब विप्र, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, और वो सारी चीज आप ऐड करोगे जीडीपी में तो आपको मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर ट्रांसफर पेमेंट ऐड नहीं करने। ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या? रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन। सपोज प्रियंका चोपड़ा परमानेंटली अमेरिका में सेटल हो जाए 2 इयर्स 3 इयर्स कंटिन्यूअसली, तो वो अपने परिजनों को पैसा भेजेगी, बट दैट विल नॉट से वेजेस, वो तो हो गया रेमिटेंस एंड रेमिटेंस विल नॉट काउंट हियर। सो ओनली विप्र चीजों को आप नेट काउंट करोगे, जीडीपी प्लस विप्र दैट इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो आप बोलोगे आपको मिला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और वो आपको मिलेगा कैसे? एट मार्केट प्राइजेस। देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको चीज मिलती है, नाम है उसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बट वेन दिस ऑल दिस प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, तो उसमें कुछ प्लांट मशीनरी, ट्रैक्टर, बुलडोजर आप यूज कर रहे होंगे और वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब उसमें घिसाव आ जाएगा, उसकी वैल्यू कम होने लगेगी वियर एंड टीयर के हिसाब से, इवेंचुअली इट विल शट डाउन। तो ये जो वियर एंड टीयर के हिसाब से आपके कैपिटल एसेट, मशीनरी, व्हीकल्स, वो जो घिसाव आ रहा है, दैट इज नॉट फॉर्मिंग इनकम फॉर एनीवन, वो तो माइनस 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 करना चाहिए। तो अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिशिएशन को आप माइनस करेंगे एंड देन यू विल अराइव एट अ न्यू फिगर, तो उसे आप क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस।
हाउ विल कंप्यूटर डेप्रिसिएशन और वो कैसे क्या होगा, नॉट इम्पोर्टेंट, सिंपली फॉर्मूला के लिए जो मेमोराइज करना है वो हम कर रहे हैं, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपको मिला क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बट दैट विल नॉट गिव द ट्रू पिक्चर बिकॉज ये तो मार्केट प्राइस पर है। आप याद करो, फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस पर जाते थे तो उसका मतलब क्या, टैक्स माइनस सब्सिडी करते थे। एलपीजी सिलेंडर का केस याद करो, जो प्राइस मिला था दैट वाज फैक्टर कॉस्ट, उसमें आपने प्लस इनडायरेक्ट टैक्स किया, माइनस सब्सिडी किया, तो आपको मार्केट प्राइस मिला। नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव इज मार्केट प्राइस, और हमारी इच्छा है कि उसमें से हमको फैक्टर कॉस्ट मिलना चाहिए, तो उसका मतलब कि आप साइंस को इन्वर्स कर दोगे, राइट? सो फ्रॉम मार्केट प्राइस आप टैक्स को माइनस करो, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो और सब्सिडी को प्लस में ऐड कर दो, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा, एट द फैक्टर कॉस्ट। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, और ये जो रकम है दैट इज द नेशनल इनकम फॉर इंडिया। तो ये सब हम इतनी सब, व्हाई आर वी टेकिंग ऑल दिस हेडेक, बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीआरटी एंड इट इज समटाइम्स आस्क्ड, सो या वी हैव टू रिमेंबर नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और वो कैसे आता है, तो ये लंबी चौड़ी चीज। एक बार फिर, भारत का जीडीपी नेट डब्ल्यूआईपीआर विप्रो इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो मिल गया, जीएनपी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट में मिला, फिर उसमें टैक्स सब्सिडी के आंकड़े आपने सुधार दिए तो आपको मिल गया नेशनल इनकम एंड दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो ऑन पेज 286 प्लीज राइट दिस इन अ ब्लैंक, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो और सब्सिडी प्लस ऐड करो, सो दैट यू विल गेट दिस फिगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और वो भारत का नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ऐसा एनसीईआरटी क्लास 12 बोलता है, एंड सम एमसीक्यूज दे आस्क, सो दिस थिंग वी हैव टू प्रिपेयर। हिना, गीता, अमृता एंड अदर्स, सो दिस इज डन। नेशनल इनकम पूरे देश की मिल गई, पर कैपिटा इनकम मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं, पॉपुलेशन के साथ उसको डिवाइड कर दिया जाए और फिर आपको जो आंकड़ा मिला दैट इज, सो नेशनल इनकम जो भी होगी आंकड़ों में एंड डिवाइड दैट विद पॉपुलेशन भारत की 129 करोड़ इन 2016, तो आपको करंट प्राइसेस पर मिल जाएगा भारत का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितना, 1 लाख समथिंग, बट दैट इज नॉट गिविंग द ट्रू पिक्चर क्योंकि वो करंट प्राइस पे है, हमने उसे कॉन्स्टेंट प्राइस बेस ईयर के साथ एडजस्ट करेंगे देन यू विल गेट अ करेक्ट पिक्चर। सो वंस अपॉन अ टाइम दिस पर कैपिटा इनकम वॉज 82,000 रुपीज पर ईयर, देन 87,000 रुपीज और बढ़ के आई है 92,000 रुपीज समथिंग एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2018, और ये कंटिन्यूअसली 2011 से लेके आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। आपको बैक सीरीज डेटा के हिसाब से और फिर क्रिटिक्स उसे बोलते हैं कम हुआ ज्यादा हुआ, बट एज ओवरऑल देयर इज अ इंक्रीज, सो दैट इज जीएनपी निकाला और उसके ऊपर से हमने अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम निकाला। एडिशनली देयर इज अ थिंग कॉल्ड नेट डिस्पोजिबल इनकम। नेट डिस्पोजिबल इनकम का मतलब ये है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो आगे हमने स्लाइड में देखा, और उसमें बाकी के अदर करंट ट्रांसफर भी आप ऐड कर दो। अदर करंट ट्रांसफर कौन से, वो याद करो, रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन, जो हमने आगे ऐड नहीं किए थे वो भी आप अगर ऐड कर दो तो फिर आपको जो चीज मिले उसका नाम क्या है, नेशनल डिस्पोजिबल इनकम। सो एनएनपी प्लस अदर करंट ट्रांसफर लाइक रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो भारत के केस में प्लस करोगे और भारत से जो बाहर जा रहा है रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन के नाम पर, तो आपने वो माइनस भी कर देना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली द फिगर यू विल अराइव दैट इज नेशनल डिस्पोजिबल इनकम। उसके अलावा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम में क्या अंतर है, व्हाट इज पर्सनल इनकम, उसकी सब कंट्राइव फॉर्मूला और कंसेप्ट वो सब एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिए, वो प्रोजेक्ट चमन का फुल फॉर्म क्या है उतना ज्यादा कंट्राइव्ड और कॉम्प्लेक्स है, आप पुराने कितने भी पेपर देख लो वो कहीं पर यूपीएससी ने पूछा नहीं, सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन लर्निंग दोस थिंग्स। पर्सनल डिस्पोजिबल इनकम का मतलब क्या, पर्सनल इनकम उसमें से आप पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस करो, मतलब इनकम टैक्स वगैरह एंड नॉन टैक्स पेमेंट ऑल्सो लाइक फाइन्स एंड पेनल्टी, तो जो आपके पास बचा वो पर्सनल डिस्पोजिबल की उतना आप खर्च कर सकते हो, एंड लाइक दैट इट कैन हेल्प मेकिंग सर्टेन प्रोजेक्शंस अबाउट डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी।
जीडीपी कैलकुलेशन की तीन मेथड्स हमने देखी, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम मेथड, और उसके कुछ फॉर्मूला वगैरह देखा। इन रियल लाइफ अगर आप सीएसओ के सभी फॉर्मूला देखने जाएं, इवन फॉर नेशनल इनकम से लेके हर एक चीज, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंट्राइव, बट वो वाली चीजों में हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज यूपीएससी उतना डेप्थ में जाके नहीं पूछता। तो असल में वो कैसे करते हैं, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बियॉन्ड वॉट वी हैव लर्न। नाउ सम लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी डज नॉट कवर द अंडरग्राउंड इकोनॉमी, ब्लैक मनी, पैरेलल इकोनॉमी, उसका डेटा कैप्चर नहीं करता। जीडीपी डज नॉट कैप्चर द नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज। घर में काम वाली बाई काम कर रही है तो उसका सैलरी काउंट करेंगे, यस, बट घर में आपकी मम्मी जो काम कर रही है, दैट इज उसकी सैलरी वो नहीं, मतलब नोशनल सैलरी काउंट करनी चाहिए, बट दे विल नॉट काउंट। सो नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज दे विल नॉट काउंट। बार्टर एक्सचेंजेस, वस्तु विनिमय प्रणाली, मैं आपको गेहूं दूं, सामने आप मुझे चावल दे दीजिए, कुछ गांव में अभी भी ऐसा कुछ चलता है। सो अकॉर्डिंगली सम ऑफ द पीपल्स विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक ब्लैक स्मिथ, जो सभी के हल या कुछ सामान रिपेयर कर देता है, और सामने उसे पैसा नहीं देंगे, सामने वो लोग उसे कुछ गेहूं चावल दे देंगे। सो दोज थिंग्स आर नाउ नॉट काउंटेड इन जीडीपी। जीडीपी डज नॉट काउंट द नेगेटिव एक्सटर्नालिटी। भारत के अंदर कोयला जलाकर थर्मल पावर बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए, तो जीडीपी बोलेगा यस जीडीपी इज इंक्रीजिंग, बट सामने कितना पॉल्यूशन हो रहा है, उतना हेल्थ को नुकसान, वो माइनस करो, वो चीज वो नहीं करेंगे। दे आर नॉट कंसर्न विद द नेगेटिव एक्सटर्नालिटीज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। अगर कोई चाइल्ड लेबरर शिवकाशी की कोई पटाखा फैक्ट्री में 50,000 रुपए के पर ईयर फायर क्रैकर्स बनाता है, जीडीपी बोल रहा है अच्छी बात है, इंक्रीज हुआ जीडीपी, बट दे विल नॉट काउंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ये वाली लड़की, अगर वो पटाखे नहीं बनाते हुए, बेटर शी हैड गॉन टू सम स्कूल कॉलेज, और आगे चल के वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनी होती, और फिर वो 5 लाख रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती। जीडीपी डज नॉट काउंट सच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कितना लॉस हो गया। भारत के अंदर कुल मिला के आप निकालो वट एवर इज द नेशनल इनकम, डिवाइड इट विद द पॉपुलेशन, तो आपको मिलेगा पर कैपिटा इनकम, बट वो उसमें इनकम इन इक्वालिटी नहीं देखता। अगर भारत की सपोज पर कैपिटा इनकम 90 रुपीज दिखे, तो उसमें भी हो सकता है एक आदमी के पास 90 रुपीज हो, बाकी दो के पास कुछ भी नहीं हो। सो दैट इज लॉट ऑफ इन इक्वालिटी कंपेयर टू द सिनेरियो की जहां 90 में 3 लोग हो, 30 30 30 करके। सो दैट टाइप ऑफ इनकम इन इक्वालिटी और इक्वालिटी वो मेजर भी नहीं करता, एप्रिशिएट भी नहीं करता। सो ऑन वन साइड वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इट मेजर्स द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग सर्टेन क्वांटिटेटिव मेजर्स, कि आपके देश का जीडीपी कितना है, कंजम्पशन कितना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, नेट एक्सपोर्ट, ऐसी ऐसी चीजें वो देखता है। इट इज नॉट बॉदर्ड कि ये जो टीनेजर कॉलेज में न जाते हुए वो स्कूटर रिपेयर का काम कर रहा है, वेदर ही इज गेटिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन। द कंसेप्ट कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसे इसके साथ कोई सरोकार नहीं, दे आर नॉट कंसर्न। सो ऑन द अदर साइड देर इज अनदर कंसेप्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। वो ये मेजर करता है कि आपके देश में ओके देर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी इतना बड़ा, ये बड़ा, वेदर इट हैज रिजल्टेड इन टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका इम्प्रूव हुआ है, लोगों का उत्थान हुआ है, वीमेन एम्पावरमेंट, एस सी एस टी हैव मूव फॉरवर्ड, वो सब मेजर करने की आप बात करेंगे, देन इट लीड्स टू द टॉपिक कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो रादर देन फोकसिंग ऑन जीडीपी, इधर सब क्वालिटेटिव गुणात्मक चीजों की बात होगी, जैसे यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेंडर रिलेटेड इंडाइसिस, इन्फेंट मोर्टालिटी, देन मैटरनल मोर्टालिटी, और फिर महिलाओं का पूरी इकोनॉमी में क्या पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एंड पार्लियामेंट में उनका कितना रिप्रेजेंटेशन, एंड सो मेनी थिंग्स, लिटरेसी रेट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो दोज थिंग्स टेक अस टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ वो तो सिंपली ये बोल रहे थे कि आपके देश का जीडीपी डिवाइडेड विथ टोटल पॉपुलेशन, तो आपको मिल जाएगी पर कैपिटा इनकम, और ये सीएसओ के डेटा से तो ये पता चलता है कि अराउंड 92,000 पर ईयर अपनी पर कैपिटा इनकम है। बट ऐसा भी होगा कि ये स्कूटर रिपेयर करने वाला बच्चा, उसको हर महीने 7,000 रुपीज से भी कम मिलते होंगे, सो दैट मीन्स वो तो 84,000 ही उसकी तो पर कैपिटा इनकम दिख रही है, बट दैट मच इन इक्वालिटी और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वो इकोनॉमिक ग्रोथ काउंट नहीं करता। वेर एज इन केस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट विल फोकस ऑन द इन इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए वो वर्ल्ड बैंक का जीनी कोएफिशिएंट, ऑक्सफैम का इन इक्वालिटी रिपोर्ट,
वो सब देखेगा, वो क्या है हम लोग 6 पिलर में देखेंगे बेसिकली, दे से कि 70% ऑफ इंडियाज इनकम इज इन द हैंड्स ऑफ 30% ऑफ द रिच पीपल एंड सो ऑन, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल लुक इनटू दोज एस्पेक्ट्स एंड अ रिलेटेड टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, वो क्या है 6 पिलर में आराम से पढ़ेंगे. सो दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट. अभी प्रीलिम 2018 में यहां से एक प्रश्न पूछा था, आई विल गिव यू 1 मिनट 20 सेकंड्स. Eighteen, 19, 20. Yeah, so time is up. So this was asked in prelim 2018. Increase in the absolute and per capita real gross national product GNP. It does not connote a higher level of economic development if. बोल के आपको कुछ options दिए गए हैं. एंड क्योंकि अभी हमने पढ़ा तो हम जानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो क्या है. अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहे तो फिर वो भले जीएनपी बढ़ा हो, इट विल नॉट मीन कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है. सो इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप विद दिस, एग्रीकल्चर फेल्स टू कीप विद दिस, इंपोर्ट ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट, नहीं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप नहीं बोल सकते इफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू इंक्रीज. तो ऐसे प्रश्नों में बस आप विजुलाइज करिए ये लड़के को कि जो कॉलेज या स्कूल में जाने की बजाय दिस गाय इज डूइंग सम स्कूटर रिपेयर, सो इज ही हैप्पी और नॉट. The economic development is focused on that, whereas economic growth it is not focused on that. They will say ये तो economic growth ही है क्योंकि ये आदमी service provide कर रहा है, mechanic service. अब यहाँ से mains question कुछ पूछे गए थे. Among the several factors for India's potential growth, saving rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available? So we do not fully agree. Why? Savings नहीं, उससे आगे की investment. कैपिटल फॉर्मेशन, दोज आर द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जिससे अपना ग्रोथ आगे बढ़ता है. तो वो इकोनॉमिक सर्वे और फिर हमने जो जो बातें करी अभी उसको आप मिलाकर जोड़ सकते. द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इट इज डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ. तो वो पूरी बात आप राजन वाली स्लाइड में मैंने कल आपको बताया था. सो यस वी कैन डू मोर, वी कैन इंक्रीज द जॉब्स, यस टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री, बट ये बोलना कि जॉबलेस है कंप्लीटली दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू से दैट. उसी प्रकार कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी, बट क्या भारत के लिए वो अच्छा है वगैरह, तो वो भी चीज हमने कल देखी थी मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ कि व्हेन फ्री मार्केट फोर्सेस आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम तो गरीबों का और सबका ख्याल शायद नहीं रखे, सबप्राइम क्राइसिस जैसी परिस्थितियों का भी निर्माण हो सकता है. सो वी रिक्वायर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट ऑफकोर्स एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे, वीमेन एस सी एस टी एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करे. सो विद दोज लाइन ऑफ थिंग्स यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन. या सो ब्लैंक 287 पर, और वहां पर आप एक ब्लैंक में लिखो व्हाट इज देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, और सामने क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या फोकस करता है, दैट वो स्कूटर मैकेनिक वाला आदमी हैप्पी है कि नहीं.
श्रद्धा, अभिषेक, दीपक, अमित एंड अदर्स. सो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास. वृद्धि इज ग्रोथ, विकास इज डेवलपमेंट ऑफ द स्कूटर मैकेनिक. सो कमिंग बैक, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो जीडीपी देख लिया, कैलकुलेशन के एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम मेथड देख लिए, ग्रोथ रेट, उसमें बिहेवियर, बैक सीरीज कॉन्ट्रोवर्सी, हाउ टू इम्प्रूव द ग्रोथ रेट, वो सब एस्पेक्ट देखे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन्फ्लेशन. उसका मतलब क्या है, अलग अलग उसके टाइप्स एंड इफेक्ट्स, एंड दे विल देन वी विल मेजर द इन्फ्लेशन यूजिंग सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड अदर इंडिकेटर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, इट इज द राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो सामने डिफ्लेशन क्या होगा, इट इज द डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और डिफ्लेशन कब होता है, जब इन्फ्लेशन रेट जीरो से भी नीचे चला जाए, मतलब एक जमाने में जो प्राइस था उससे अब सस्ते में माल मिल रहा है, व्हेन थिंग्स लाइक दैट हैपन, तो हम बोलते हैं डिफ्लेशन हुआ, मुद्रा अवस्फीति हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हमको जैसे जीडीपी की पता होनी चाहिए, इसकी भी पता होनी चाहिए. सो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आप 288 पर लिखिए, इट इज द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन इंडियन इकोनॉमी नहीं लिखा है, व्हाई, बिकॉज डेफिनेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए, इन अ कंट्री, इन एन इकोनॉमी. Ten more seconds and then we will progress. Okay, so that was inflation. अभी definition क्या, word देखिए, general level of price of goods and services. तो general level का मतलब क्या है, what is the general level of price in goods and services? इकोनॉमिस्ट जे एम कीन्स, उन्होंने किताब लिखी जनरल थियरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. वहां पर उन्होंने बोला कि व्हेन इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अभिषेक बच्चन टाइप के लोग जो मर्जी से काम नहीं करें उनको इग्नोर करो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तलाश में वो आदमी को भी इग्नोर करो, बाकी के सभी लोग मान लो कि अगर काम कर रहे हैं, सो यू विल से दैट इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट. उस वक्त सभी फॉर्म्स के द्वारा कुल मिलाकर जितना आउटपुट दिया जाता है उसे आप बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई, और उस वक्त वो सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के साथ मैच कर जाएगा. और एग्रीगेट डिमांड के उन्होंने कंपोनेंट्स दिखाए, कौन से, वही चिक्सम, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज एंड देन नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. सो व्हेन इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो एक बाजू से जितना सप्लाई होगा सामने उतना ही डिमांड होगा, और उस वक्त जो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हुए हैं, ऑनियन एट 10 रुपीज, शूज एट 1200 रुपीज, वो वाले प्राइस लेवल को आप बोलेंगे एट द जनरल प्राइस लेवल. उसमें अगर इंक्रीज हुआ तो आप बोलते हैं इन्फ्लेशन हुआ, उसमें डिक्रीज हुआ तो डिफ्लेशन हुआ. ऑफकोर्स दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट कब हो सकता है, किन्स ने बोला कि इन रियल लाइफ जब ओनली इफ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी ऑन द पब्लिक वर्क, तभी जाकर फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिल जाए दैट इज नॉट पॉसिबल. और सो सपोज रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिका में हुअर डैम बनाना शुरू किया ताकि लोग उसमें रोजगार मिल जाए, यूपीए सरकार की मनरेगा स्कीम की, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, 100 डेज ऑफ अनस्किल लेबर वर्क आपको गांव में हम देंगे. सो दोस टाइप ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर रनिंग ओनली देन द इकोनॉमी कैन कम एट द फुल एम्प्लॉयमेंट.
एनीवे सो व्हेन इकोनॉमी वर्किंग फुल एम्प्लॉयमेंट, जितना सप्लाई होगा सामने उतना ही डिमांड होगा, एंड देयर इज द प्राइस लेवल जिसे आप बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल. नाउ फॉर सम रीजन, सपोज ये एग्रीगेट सप्लाई इतना ही रहे लेकिन सामने एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा बढ़ जाए. साइज में आप देखिए ये एरो को फॉलो करें, थोड़ा बढ़ गया है, एक तरफ इतना है और सामने डिमांड बढ़ गया, तो गैप क्रिएट हुआ है. गैप इतनी जो ये साइज है, ये ग्रीन कलर वाली इतनी लाइन, सो दैट इज द गैप. उस गैप को आप क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप हुई है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिमांड पुल रीजंस. ये दिखा रहा है कि डिमांड बढ़ गया बट सामने सप्लाई बढ़ नहीं पाया. और सप्लाई क्यों बढ़ नहीं पाया? बिकॉज वी जस्ट लर्न इकोनॉमी इज वर्किंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट. जो लोग काम कर सकते हैं वो सभी काम कर रहे हैं एंड स्टिल उन सबकी कैपेसिटी इतना ही सप्लाई देने की है. और सामने अगर डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन टू इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी. सो वेन कैन दिस हैपन? वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी मनी सप्लाई बढ़े बट सामने सप्लाई तो बढ़ा नहीं बट मनी सप्लाई बढ़ गया, सो एज अ रिजल्ट जनता के पास ज्यादा पैसा है, दे आर डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज बट बाजार में पैदा नहीं हो रहे. सपोज देयर इज हायर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अचानक से जनरेशनल चेंज आ जाए और नए लोग की हम तो हफ्ते में दो बार बाहर जाके खाना खाएंगे, विल नॉट कुक एट होम एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ऐसा जब हो तो डिमांड बढ़ने लगी. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ गया हो या कोई प्राइवेट कंपनी या सरकार कुछ नया नया फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने की कोशिश करे, सरकार का फिजल डेफिसिट बढ़ा हो बिकॉज दैट इज पॉइंटिंग आउट कि सरकार उस हिसाब से परचेज ज्यादा कर रही होगी या फिर स्कीम सब्सिडी के नाम पे लोगों को पैसा दे रही होगी जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे जा रहा होगा, या फिर कि भारत के नेट एक्सपोर्ट बढ़ गए हो. प्याज टमाटर भारत के बाहर ही ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाते हो तो लोकल मार्केट में जो सप्लाई वो तो उतना ही है बट लोकल लोगों को जो खरीदना है उनकी डिमांड को पूर्ति करने के लिए वो नहीं है. सो देन इट कुड क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम. हायर लेवल ऑफ ग्रोथ, हमने पढ़ा ग्रोथ का मतलब क्या है, जीडीपी और उसमें पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना ग्रोथ है, सो चिक्जम वाले कंपोनेंट है. सो वेन एवर देर इज हायर ग्रोथ उसका मतलब कि चिक्जम के हिसाब से डिमांड बढ़ती जाती है, सो इट इज रिजल्टिंग इन टू हायर डिमांड एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन बिकॉज सामने इतना डिमांड बढ़ता जाएगा और सप्लाई तो बढ़ नहीं सकता है. सो दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप. वो होना तो स्वाभाविक है बट इट कैन क्रिएट अ मोर डीवियस वर्जन, ज्यादा विकृत स्वरूप धारण कर ले तो आप बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पायरल. इन्फ्लेशनरी स्पायरल मतलब सपोज प्राइस ऑनियन का 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए किलो हो गया, सो व्हेन देयर इज मोर इन्फ्लेशन वर्कर्स डिमांड करेंगे कि हमको इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव एंड सर्वाइव, तो वर्कर्स फैक्ट्री मालिक से ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे. उद्योगपति उनको ज्यादा अगर पगार देगा बट सामने अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखने के लिए वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा देगा. सो अकॉर्डिंगली देयर विल बी मोर इन्फ्लेशन एंड एज अ रिजल्ट मोर इन्फ्लेशन, ज्यादा सैलरी चाहिए हमको, ज्यादा उसने प्राइस बढ़ा दिया, दिस विल क्रिएट अ विशियस साइकिल. तो उसके लिए शब्द क्या है? इन्फ्लेशनरी स्पायरल. एंड एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू कम. सो वेन एवर देयर इज इन्फ्लेशन उससे लड़ने के लिए आरबीआई क्या करेगी? याद करो डियर मनी पॉलिसी, रेपो रेट बढ़ा दे, लोन को ज्यादा एक्सपेंसिव कर दे, सो देन ऑटोमेटिकली ये जनता की जो डिमांड थी वो हाथ में से पैसा कम हो जाए पहले से एंड अकॉर्डिंगली वो वापस डिमांड कम हो जाए, वी कैन फाइट द इन्फ्लेशन. सो दैट इज व्हाट आरबीआई कैन डू. बट व्हाट कैन गवर्नमेंट डू ऑन देयर साइड टू फाइट द इन्फ्लेशन? यानी कि ये 10 रुपए का कांदा 15 रुपए पर किलो बिक रहा है, वी हैव टू फाइट दैट. व्हाट कैन गवर्नमेंट डू? सरकार प्रोड्यूसर्स को कुछ टैक्स डिडक्शन, एग्जेम्पशन, सब्सिडी, बेनिफिट दे सकती है ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, एक ऐसा काम हो सकता है. सरकार अपनी खुद की फिजल डेफिसिट स्कीम सब्सिडी काबू में कर दे, ऐसी वाली स्कीम सब्सिडी कि जहां पर जनता के हाथ में पैसा आ जाता है बट सामने प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल किसान को सब्सिडी दी जाए फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन, दैट इज पॉजिटिव. बट सपोज ऐसे ही सब लोगों को 72,000 रुपीज या एक्स वाई जेड अमाउंट दे दिया गया बट सामने प्रोडक्शन नहीं बढ़े तो वो समस्या कर सकता है. सो ऐसी फिजल डेफिसिट और स्कीम सब्सिडी को कर्टेल किया जाए ताकि जो ये एक्सेस डिमांड इधर है उसको आप काबू में कर सके. गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ट्राई इशूइंग इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और ऐसी चीजें, सो दैट पीपल आर डिमांडिंग लेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मार्केट और वो पैसा सरकार को दे दे ऐसे कुछ बॉन्ड वगैरह में, एंड देन गवर्नमेंट कैन यूज दैट थिंग टू गिव सम एडिशनल हेल्प टू द प्रोड्यूसर्स कि आप ज्यादा उत्पादन कर पाओ.
सरकार ये भी कर सकती है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, स्टॉक लिमिट, एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ द मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस, एफसीआई का ओपन मार्केट सेल स्कीम, ऑपरेशन ग्रीन्स, वो सब करके डिमांड तो कम नहीं करवा सकते, बट सामने सप्लाई बढ़ा दिया जाए चीज वस्तुओं का, सो दैट दिस मच इज द एक्स्ट्रा डिमांड देन दिस मच इज द एक्स्ट्रा सप्लाई, तो वापस वो चीज इक्विलिब्रियम पर आ जाए और ये प्राइस राइज को आप रोक सके। सिमिलरली प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड ऑफरिंग हायर एमएसपी टू द फार्मर्स टू कल्टीवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप, खास करके पल्सिस, दालों के दाम में अगर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज ऑफर हायर एमएसपी ताकि नेक्स्ट सीजन में वो ज्यादा कल्टीवेट करें अकॉर्डिंगली, जितना डिमांड है उसके सामने सप्लाई की पूर्ति हो सके। सो फ्रॉम हियर इन 2012 अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, आई विल गिव यू 1 मिनट 20 सेकंड्स। फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। सो द क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन वेन एन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस्ड, उसका मतलब क्या, लोन सस्ते कर दो तो फिर तो पब्लिक और मौज में आ जाएगी, दे विल परचेज न्यू कार्स एंड व्हीकल्स एंड अकॉर्डिंगली द डिमांड विल इंक्रीज, और सामने प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो मोर इन्फ्लेशन आ सकता है। सो दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन तो पक्का गलत ही है, और जहां पर भी मुझे सेकंड ऑप्शन दिखे आई शुड एलिमिनेट दोज थिंग्स, सो बी विल बी गॉन, सी विल बी गॉन, डी विल बी गॉन एंड अकॉर्डिंगली द आंसर विल बी ओनली वन। ओनली वन ऑप्शन में क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के पास डिस्पोजिबल इनकम पहले से कम हो गया, अभी हमने देखा पर्सनल इनकम, सो पर्सनल इनकम में से टैक्सेस और पेनल्टीज आपने माइनस किए देन यू गेट डिस्पोजिबल इनकम, तो पहले से अगर हाथ में पैसा कम रहेगा देन द पर्सन विल परचेज लेस अमाउंट ऑफ थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली डिमांड को आप कटेल कर सकते हैं, महंगाई से लड़ सकते हैं। बट ऑफकोर्स दैट इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकेबल एंड गुड वे टू फाइट द इन्फ्लेशन, बिकॉज आप लाफेयर कर्व को याद करिए, हद से ज्यादा अगर टैक्स रेट बढ़ाया जाए देन अल्टीमेटली इट विल क्रिएट द ब्लैक मनी एंड पैरेलल इकोनॉमी और वो सारी समस्या है। बट यस, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एमसीक्यू के जिस प्रकार से सब कोर्स सेट हुए हैं ओनली वन इज द राइट थिंग। वट अबाउट द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बोलता था पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब सरकार ये मना रहेगा जैसी और नई योजना है कि कुआ खोदो, कट्टा खोदो, रोड बनाएंगे, बट देन इट विल ऑल्सो क्रिएट न्यू लेवल ऑफ डिमांड, तो ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है, स्टील सीमेंट की उतनी मांग अगर सामने चीजें ना हो तो। सो दैट वॉज अबाउट द इन्फ्लेशन, कि जब जनरल प्राइस लेवल था एक बाजू, एग्रीगेट सप्लाई था एक बाजू, एग्रीगेट डिमांड था, और एग्रीगेट डिमांड इस तरफ बढ़ गया था, सो देयरफॉर वी आर सेइंग कि इन्फ्लेशनरी गैप हुआ था। बट रिवर्स कैन ऑल्सो हैपन, कि सप्लाई ज्यों का त्यों रहे बट सामने डिमांड कम हो जाए, सो दिस मच इज द गैप, तो अगर डिमांड कम हो गया वो क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप कब हो सकता है, मनी सप्लाई किन्हीं कारण से कम हो जाए बहुत ज्यादा, सो अकॉर्डिंगली नो मनी सप्लाई शुड इंक्रीज, जब मनी सप्लाई अचानक से बढ़ जाए। या मनी सप्लाई कम हो जाए, आई एम सॉरी, इन्फ्लेशन में जो जो होता है उसका रिवर्स इधर बोलना शुरू करें, दैट कैन रिजल्ट इन टू डेफिशिएंट डिमांड, सो मनी सप्लाई हैज डिक्लाइन, प्रोपेंसिटी टू सेव हैज इंक्रीज, कुछ ऐसा हो जाए कि लोग पहले से कम खर्च करने लगे, वेन एवर दैट हैपन्स तो
डिमांड कम हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट डिफ्लेशनरी गैप आ सकता है कि जो प्याज टमाटर अगर 10 रुपए में बिक रहा हो वो अगर कम होकर सिर्फ 5 रुपए में बिकना हो जाए. ट्राइंग टू राइट द थिंग्स करेक्टली बट ये चीज बहुत लैग कर रही है. लीव इट. या सो डिफ्लेशनरी गैप कैप्टन आरबीआई अचानक से रेपो रेट लोन रेट बहुत महंगे करवा दे, जनता के पास पैसा कम आ जाए तो अकॉर्डिंगली दे विल कंज्यूम लेस इन्वेस्ट लेस, तो डिफ्लेशनरी गैप बन सकता है. सो प्रोपेंसिटी टू सेव अगर अचानक से बढ़ जाए, कंज्यूमर नई टीवी फ्रिज ना खरीदे ये सोच के कि अभी और प्राइस गिरेंगे तब जाकर हम लोग इसे करेंगे. सपोज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में किन्हीं कारण से कमी हो जाए, एनपीए प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, एक्स वाई जेड. सपोज सरकार फीजल कंसोलिडेशन शुरू करे कि अलग अलग योजना वगैरह में हम लोग कम पैसा देंगे, सो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट परचेज भी श्रिंक हो जाएंगी और उसके जरिए जो भी सब्सिडी वगैरह का पैसा कुछ जाता होगा कहीं पर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा. सो इन्फ्लेशनरी गैप कुड कम. सो फीजल कंसोलिडेशन है, किन्हीं कारण से अपना नेट एक्सपोर्ट कम हो गया है तो एक्स वाला पोर्शन उस हिसाब से डेफिशिएंसी दिख सकती है. इकोनॉमी में डिप्रेशन रिसेशन की समस्या हो जिसके चलते एग्रीगेट डिमांड कम हो गया हो, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू डिफ्लेशनरी गैप. सो डिफ्लेशनरी गैप वो क्या है? एक टीवी जो कि 15,000 में बिक रहा है और वो अब 10,000 में प्राइस कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन. तो डिफ्लेशनरी गैप ओके, बट वो भी जब विकृत स्वरूप धारण कर ले आप बोलते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल, यानी कि किन्हीं कारण से डिमांड कम हुई है, एज अ रिजल्ट प्राइजेज आर फॉलिंग और डिफ्लेशन आ रहा है. बट वेन एवर दिस इज हैपनिंग कि टीवी 15,000 का दाम गिराकर 10,000 भी करो तो भी कोई खरीदने को नहीं आता, देन वॉट विल द कंपनी डू, सैमसंग एंड बीपीएल एंड ओनिडा? वो अपनी कंपनी से लोगों को नौकरी से निकाल देंगे. टू कीप देयर प्रॉफिट मार्जिन सेम दे विल थ्रो आउट द पीपल, तो बेरोजगारी हो जाएगी. और अगर कोई आदमी बेरोजगार हो जाएगा देन ऑब्वियसली वो पहले से कम ही चीजें खरीदेगा. सो देर विल बी फॉल इन द डिमांड एंड देन अगेन फॉल इन द डिमांड, टू मोर डिप्रेशन एंड लोअर प्रॉफिट, एंड लाइक दैट दिस होल विशियस साइकिल विल कंटिन्यू. सो दैट स्पाइरल इट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी स्पाइरल. और उसमें एक चीज और ऐड करती है क्या, फिलिप का आप याद करो कि जब भी इन्फ्लेशन नीचे गिरता है डिफ्लेशन वाली चीजें तो बेरोजगारी बढ़ती रहती है, और जितना बेरोजगारी बढ़ती है सो अकॉर्डिंगली दिस विल कंटिन्यू टू एग्रेवेट. सो डिफ्लेशन यानी 10 रुपए का प्याज अगर 5 रुपए में बिक रहा है, हाउ कैन वी फाइट दैट? आरबीआई कर सकता है उससे फाइटिंग कैसे? चीप मनी पॉलिसी, यानी मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए वो रेपो रेट सस्ता कर दे, ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह खेलकर. सो दैट वी ऑलरेडी हैव लर्न. सरकार क्या कर सकती है? अगेन उसी के साथ जोड़कर जो पहले बोला उसका रिवर्स कुछ शुरू करो कि टैक्स डिडक्शन एग्जेम्पशन सब्सिडी दी तो जाए, बट किसे? कंज्यूमर को, ताकि उसे कुछ खर्च करने की, कंज्यूम करने की इच्छा हो जाए. सपोज कि जीएसटी पर लगने वाला, सपोज टेलीविजन पर लगने वाला जीएसटी और कम कर दिया जाए, कंप्यूटर कार की परचेज के लिए सपोज सरकार बोले आपको इनकम टैक्स डिडक्शन देंगे, तो आपको एक तो सस्ते में गाड़ी भी मिल रही है और सामने इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा जितना इधर इन्वेस्ट किया. सो इफ दैट इज हैपनिंग देन पीपल विल बी इंड्यूस्ड टू परचेज थिंग्स, तो कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े और वापस हम ऊपर आ सकते हैं. इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवे, डैम एक्सेट्रा, ताकि स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में पहले से ज्यादा मांग आ जाए. वर्कर के पास कुछ सैलरी में पैसा आया, वो बाजार में जाके कुछ चीजें खरीदे, डिमांड बढ़ा, सो फ्रॉम डिफ्लेशन वी कैन मूव टूवर्ड्स द इन्फ्लेशन. सो दोज वेर द बेसिक थिंग्स अबाउट व्हाट इज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उसके गैप क्या होते हैं और स्पाइरल कब बनते हैं और उसमें आरबीआई और गवर्नमेंट क्या कर सकती है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन्फ्लेशन के कुछ प्रकार, डिपेंडिंग ऑन द कॉजेशन, कारकता के अनुसार से क्या क्या. एक तो हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सरकारी मनरेगा, 7th pay commission, पीएम किसान योजना की 6,000 रुपए पर ईयर देंगे, राहुल गांधी की ये न्याय योजना की 72,000 रुपीज पर ईयर देंगे, या कुछ ऐसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेके आए कि सबको 12,000 रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो. ऐसी हर एक परिस्थिति में क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई तो जो की त्यों रहेगी, सो इट कैन क्रिएट इन्फ्लेशन प्रॉब्लम. सो दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मार्ग जनित मुद्रास्फीति. मॉनेटरी इन्फ्लेशन, अगर आरबीआई ज्यादा पैसा प्रिंट करे, बिकॉज आप याद करिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू हुई, किसी ने खरीदे नहीं तो आरबीआई फोर्स टू परचेज, और सामने आरबीआई के पास पैसा नहीं, दे विल प्रिंट न्यू करेंसी. अगर ऐसा हो तो आप बोलते हैं उसे मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट,
तो उस वक्त तो पक्का बाजार में सामान नहीं होगा, नया पैसा क्रिएट हो गया, सो दैट विल क्रिएट इन्फ्लेशन, उसे बोलते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। वो चीज एफआरबीएम हैंडआउट में आप देख लेना, व्हाट वाज मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। उसके अलावा हो सकता है कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन, द प्राइस राइज दैट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा, अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन विल कम। कोई ट्रेड लेबर यूनियन वाले हंगामा करे, स्ट्राइक हड़ताल कर दे और बोले हमारी वेजेस बढ़ाओ, तो सामने उद्योगपति नीचे कि मेरा उत्पादन खर्च बढ़ गया, एंड अकॉर्डिंगली ही विल पुश दोज थिंग्स ऑन दी कंज्यूमर्स, तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए जिसके चलते पोटेटो चिली प्रोडक्शन पहले से कम हो जाए, तो स्वाभाविक है जितना पैदा हुआ है उसके लिए किसान ज्यादा पैसा मांगेगा, तो पोटेटो चिप मेकिंग कंपनी उसका भी लागत कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली वो 10 रुपए का लेस 15 रुपए में बेचना, सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है। देन प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, वो तब होगा अगर कोई कार्टेल, जैसे वो ओईसीडी वाले याद करो, या मोनोपोली, एक ही चीज एक अधिकार से जो उत्पादन हो रहा है, जैसे कि कोई रेलवे, तो रेलवे आपको पॉपुलिज्म के लिए वो बढ़ाएंगे नहीं, बट सपोज वो प्राइवेट रेलवे एक ही होती पूरे भारत में, दे कुड चार्ज मोर मनी। ऑलिगोपोलिस्ट, वो भी कार्टेल टाइप की चीज है, क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आराम से पड़ेंगे। बट व्हेन दिस टाइप ऑफ गैंग्स वो डेलिब्रेटली अपना सप्लाई बढ़ा दे, या बस ऐसे ही हवा में कि हमारा इतना ज्यादा प्राइस है, बिकॉज ऑफ द ग्रीड एंड प्रॉफिट मोटिव, सो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। देन बिल्ट इन इन्फ्लेशन, हमने देखा कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मजदूर हड़ताल करके बोलेंगे हमको ज्यादा वेजिस पगार चाहिए, तो उद्योगपति उनको पगार अगर ज्यादा देता है तो प्रोडक्शन प्रोडक्ट का प्राइस भी आगे, टीवी फ्रिज वो पहले से महंगा कर देगा, सो दैट इज लिंक टू द प्राइस एंड वेज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, और उसके लिए शब्द प्रयोग होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, की एक चीज दूसरे को और वो धीरे धीरे जो क्रिएट करती है, दैट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। देन देयर इज रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस वक्त सरकारें ये कुछ भी शुगर टोमेटो कुछ भी बिक रहा है उसके ऊपर कुछ प्राइस कंट्रोल ऑर्डर फिक्स करेंगी, रेशनिंग फिक्स करेगी कि एक आदमी को आप इससे ज्यादा बेच नहीं सकते। ये इधर लिखा है रेशन शुगर एक आदमी को पर वीक कितनी मिल सकती है, ओनली हाफ पाउंड, और उसके लिए भी आपकी एक रेशन की ऐसी बुक होगी और वहां पर वो टिक मार्क करेगा तो उससे ज्यादा आपको मिलेगा। सो ड्यूरिंग द वॉर पीरियड सरकार के ऐसे सब काम के चलते द प्राइजेस विल बी केप्ट अंडर चेक, महंगाई काबू में रहेगी, बट जैसे ही वॉर खत्म हो गया सरकार इस प्रकार की रेशनिंग विदड्रॉ कर देगी, एंड देन प्राइजेस विल गो अप। वाई? बिकॉज दिस जेंटलमैन वुड वॉन्ट टू कवर अप द प्रीवियस लॉसेस, वो ज्यादा ज्यादा प्राइस बढ़ा देगा व्यापारी ताकि उस जमाने में मेरा नुकसान हुआ मैं अभी कवर अप करूं। सो एट दैट टाइम इन्फ्लेशन अचानक से ऊपर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, पहले दमित था बट अब वापस आ गया। स्टैगफ्लेशन, कोई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा रहे बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा रहे। फिलिप काउ तो बोलता है कि इन्फ्लेशन बढ़े तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, बट व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस रिसेशन एंड डिप्रेशन, तो वो दुनिया कुछ और ही अलग दिशा में शायद हो सकती। सो हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ, ऐसी जब इकोनॉमी हो जाए तो बोला जाता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, और उस वक्त जो महंगाई रहती है उसे आप बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन, एक तो होता है ऐसा कुछ नॉर्मल कर्व, बट उसमें अगर एक ही बाजू में अगर ज्यादा कुछ अप डाउन हो, दैट इज स्क्यूड टाइप ऑफ ग्राफ। तो अगर ऐसा जनरल गुड्स एंड सर्विसेज के दामों में सेम टू सेम कुछ दिखे, बट देयर इज एन एपिसोडिक राइज इन द स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, जैसे कि पल्स, टोमेटो, ऑनियन, बाकी सब चीज वस्तुओं में सामान्य रूप का इन्फ्लेशन दिखे, बट अचानक से एपिसोडिकली टोमेटो, ऑनियन वगैरह में जो आपको दिखता है उसके लिए आप क्या बोलेंगे, स्क्यूफ्लेशन। देन वॉट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई में मेजर करके जो आपको आंकड़े मिले टोटल इन्फ्लेशन के, उसके लिए शब्द होता है हेडलाइन डब्ल्यूपीआई, हेडलाइन सीपीआई, जो न्यूज अखबारों की सुर्खियां बनाता है। देन वॉट इज कोर इन्फ्लेशन, ये डब्ल्यूपीआई या फिर सीपीआई, उसके अंदर तो आपने सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का राइज मेजर किया, बट उसके अंदर से फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूअल इन्फ्लेशन, द करेक्ट वर्ड भी कि एनर्जी इन्फ्लेशन, वो दोनों को आप माइनस कर दो, मतलब भारत में कुल महंगाई उसमें खाद्यान्न वाली महंगाई और ये एनर्जी वाली महंगाई पेट्रोल डीजल वगैरह, वो दोनों को माइनस कर दो तो बाकी सब चीज